हेलो दोस्तों, टॉपर एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जो है लेटर टू गॉड्स। भगवान को जो पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में आज को बताएंगे आपको। ये आपके सामने लेंचो है बच्चों। क्या है? लेंचो। जिसने क्या किया था? पत्र लिखा था भगवान को। क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी बच्चों, और फसल खराब होने के बाद वो उदास हो गया था। तो आप देख रहे हो, फिर वो डाकखाने में जाता है और अपने लेटर लिखता है और भगवान को भेजता है। ठीक है, तो ये स्टोरी इस बेस पे बनाई गई है बच्चों। अब देखो आगे, ये लेंचो खड़ा है जो फसल बर्बाद हो चुकी है उसकी। किसके द्वारा हो चुकी है फसल? बारिश के कारण बच्चों। किसके कारण? बारिश आई, ओले आए, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? ओले। तो बरसात आने के बाद क्या हुआ? इसकी फसल बिल्कुल सारी खराब हो गई, और खराब होने के बाद इसके पास कुछ नहीं था बच्चा। तो ये आखिर में क्या करता है? भगवान को लेटर लिखता है, और उसी स्टोरी का नाम रख दिया गया लेटर टू गॉड। बच्चों, वीडियो को वॉच करो, कमेंट करो, आपको कोई चीज मुश्किल लगे तो उसको आसान बनाने का मैं आपसे वादा करता हूं। बच्चों देखो आगे, जो ओले पड़े थे लेंचो की फसल पर वो इस तरह पड़े थे। बच्चों देखो, यहाँ ये ओले हैं व्हाइट व्हाइट रंग के, और फसल कैसे बर्बाद हो जाती है उसके बारे में आज आपको हम एक समरी के रूप में डिस्कस करेंगे साथ में बच्चों। ओके, देखो ए लेटर टू गॉड, ये मैंने पूरी समरी तैयार करी है बच्चों के लिए, ताकि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीबीएसई वालों और सभी स्टेट बोर्ड वालों, जो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है समरी के रूप में, वो मैंने आपके लिए तैयार करी है बिल्कुल, ताकि आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए कई चीज, और आपको दिक्कत भी ना आए बिल्कुल भी पढ़ते हुए याद करते हुए बच्चों। ओके, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था बच्चों, और ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो क्या था? बहुत ही मेहनती था बच्चों। क्या था? बहुत ही मेहनती। वॉज दरवाजे, ही वॉज दरवाजे हे स्टॉर्म। तो हे स्टॉर्म क्या होता है? आपने देखा हुआ ओले। तो यहां पर क्या है, उसके फसल पर जब ओले पड़े तो क्या हुआ? इट डिस्टोर्ड। डिस्टोर्ड क्या होता है बच्चों? नष्ट होना। तो क्या उसकी क्रॉप जो फसल है वो पूरी कंप्लीटली नष्ट हो गई, खत्म हो गई बच्चों। तो ही रोट लेटर टू गॉड, उसने क्या किया? भगवान को लेटर लिखा। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम मनी, उसने भगवान से पूछा कि वो पैसे मुझे मिल जाए, मेरी फसल बर्बाद जो हुई है। द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, जो डाक घर में काम करते हैं डाकिया, पोस्ट मास्टर बोलते हैं उसे, आपको पता होगा जो आपके रोल नंबर आते हैं, किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हो तो आपके घर में जो रोल नंबर आते हैं या कोई भी मेल आता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा? पत्र के रूप में। तो पोस्ट मास्टर क्या है? आपके घर में पहुंचाने का काम करता बच्चों। तो साथ इस लेटर, जैसे उसने क्या लेटर को देखा, ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया कि हम लेंचो की हेल्प करेंगे बच्चों। उसके बाद ही कलेक्टेड सम मनी, उसने क्या किया? सभी ने जो डाकघर में काम करने वाले थे, सभी अधिकारी, उन्होंने पैसे कुछ इकट्ठे किए और क्या किया? कलेक्ट किया सम मनी। ही पुट इट इनसाइड द एनवलप, एनवलप होता है लिफाफा, उस लिफाफे में पैसे डाले और लेंचो के घर पे पहुंचा दिए। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, जैसे लेंचो पोस्ट ऑफिस डाकघर में आया बच्चों, टू चेक हिज मेल, उसने अपना मेल को चेक किया, तो क्या हुआ? द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवलप। तो क्या है, जो पोस्ट ऑफिस वाले पीपल थे उन्होंने क्या किया? एनवलप लिफाफा किसको दे दिया? लेंचो को दे दिया। तो लेंचो ने क्या किया बच्चों? लेंचो ओपन द एनवलप, उसने एनवलप खोला और फिर क्या है, ही टुक आउट द मनी। और पैसे होते हैं आपको पता, मनी जो आप पॉकेट मनी में लेते हो एक रूप में, तो लेंचो क्या करता है? पैसे लिए और काउंट करना स्टार्ट कर दिया बच्चों। और काउंट करने के बाद क्या किया? ही फाउंड दैट, उसने पाया, क्या पाया? इट वॉज लेस देन ही आस्क्ड फॉर, जितने उसने पैसे मांगे थे उससे कुछ पैसे कम मिले। ही रोट, तो उसने क्या किया? वो पूरे पैसे लेने के लिए उसने दोबारा फिर लेटर लिखा भगवान को। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड, उसने भगवान से कहा कि जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे मेरे पूरे कीजिए। तो रेस्ट ऑफ द मनी होता है जो बचे हुए पैसे हैं जितने उसने मांगे थे। तो बट ही वांटेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, लेकिन क्या है, वो पैसे दोबारा नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि बच्चों वो पैसे भगवान ने भेजे नहीं थे, वो तो सिर्फ डाक वालों ने, डाकियों ने जो डाक घर में रहते थे, उन्होंने लेंचो की हालात को देखते हुए अपनी जो सैलरी में से कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंचो की हेल्प करने की सोची थी। और लेंचो के माइंड में ये था बच्चों कि वो पैसे भगवान ने भेजे हैं,
अंडरस्टैंड। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसका कोई मेल नहीं आता है तो ही सेड दैट, वो क्या बोलता है, द पोस्ट ऑफिस पीपल, डाकघर में जो काम करने वाले हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक, वो धोखेबाज हैं, देखो धोखेबाजों का टोला है। इस बात को कहता है वो, इस बात को कह के ऑफिस समरी को खत्म करता है। बच्चों ये था एक पूरा समरी का क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। इसके द्वारा इसी से क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके लेसन की समरी कवर होगी और पूरी तरह बता दिए जाने के बाद भी, उसके बाद ये छोटे क्वेश्चंस बनेंगे जो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डेट्स ऑल, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।